हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आप सबको 2024 का हैप्पी न्यू ईयर। एंड दोस्तों, आप सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप 2024 को एक बेहतर ढंग से जी सकें और बेहतर डेली रूटीन का फॉलो कर सकें। जो भी 2023 में आपने मिस्टेक्स किया है, उन सभी मिस्टेक्स को ख़त्म करके आप एक नए सिरे से डेली रूटीन को फॉलो करिए, क्योंकि डेली रूटीन जो आपका होता है वही आपके भविष्य को उज्जवल बनाता है। वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं वही आपका भविष्य बनाता है। इसलिए दोस्तों, आप अपने वर्तमान यानी प्रत्येक आज को सही ढंग से फॉलो कीजिए, प्रत्येक आज को सही ढंग से जिए, सही समय का उपयोग कीजिए, समय को फालतू जगह बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि समय सबसे बड़ा मूल्यवान है, बीत जाने पर वापस नहीं आता है। तो दोस्तों, इन्हीं शुभ वचनों के साथ मैं आज का सेशन शुरुआत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों, मैं एक हफ्ता से वीडियो कोई भी अपलोड नहीं की थी, आप रीजन समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ शारीरिक शिक्षा के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसा कि आपका बिहार या स्टेट 2024 में मार्च में एग्जाम होने वाला है, एंड उसके बाद अगस्त में आपका फिर से बीपीएससी टीआरई 3 होगा, एंड जो अदर स्टेट के, चाहे उत्तराखंड एलटी हो, चाहे यूपी टीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, चाहे एमपी में आपने एमपी टेट जो भी क्वालिफाई किया है उसका भी सुपर टेट का एग्जाम्स होगा। तो सभी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मैं आपको बेहतरीन प्रिपरेशन कराऊंगी, और जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसा कि आपने बीपीएससी एग्जाम दिया होगा तो आप देखे होंगे कि सारे क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए थे, कोई डाउट नहीं था। क्वेश्चन तो घुमा के देगा ही, लेकिन आपको देखना है कि आपकी तैयारी कैसी है, कैसा भी क्वेश्चन घुमा दे आप उसका सही आंसर दे सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन में, शुरू करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा की इतिहास से रिलेटेड। इसी तरह सभी चैप्टर का पहले मैं वन लाइनर कंप्लीट करके फिर उसके एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। तो दोस्तों, जैसा कि सभी थ्योरी सेशन मेरे चैनल पे आप जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए, हर एक टॉपिक का थ्योरी सेशन मिल जाएगा, हर एक टॉपिक का एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। सभी प्रकार की वीडियो जो भी बीपीएससी में मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया हुआ है, वो सभी वीडियोज आप फिर से देखते रहिए, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी। तो दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन के तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्राचार्य कौन थे। तो दोस्तों, इसके YMCA के पहले प्राचार्य थे H.C. बक, यानी हेनरी क्रो बक। अब YMCA की स्थापना सबसे पहले 6 जून 1844 में लंदन में हुआ था जॉर्ज विलियम के द्वारा, एंड 1883 में अमेरिका में हुआ था स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। एंड भारत में बात करेगा कि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई, तो 1920 में चेन्नई मद्रास में हुआ H.C. बक के द्वारा, यानी हेनरी क्रो बक के द्वारा। याद रखिएगा, हेनरी क्रो बक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। दोस्तों, लंबा सेशन होगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन धैर्य पूर्वक आप देखिएगा, बीच में छोड़ के भागिएगा मत। जो भी मैदान छोड़ के भागता है उसको सफलता नहीं मिलती है, तो धैर्य रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी प्रथम बार कब बनाई गई। तो यह बनाया गया 1984 में सबसे पहले। एंड नेक्स्ट है, नेशनल फिटनेस क्रॉस कब आरंभ किया गया, यानी NCC। तो दोस्तों, NCC की स्थापना नेशनल कैडेट क्रॉप, दोस्तों सॉरी, यहाँ पे नेशनल फिटनेस क्रॉप यानी NFC की स्थापना कब हुआ, तो 1965 में। NCC की बात करेगा तो 1948 में, NSS की बात करेगा तो 1969 में। नेक्स्ट है दोस्तों, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, यह डॉक्टर KL श्रीमाली के द्वारा उद्घाटन किया गया था। इसकी स्थापना NSNIS की 7 मई 1961 में पटियाला में हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट है कि शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि क्या है दोस्तों, तो 2350 से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता का काल। नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, यह कथन किसका है, तो आप सबको पता है अरस्तु का है। नेक्स्ट है दोस्तों एनआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की स्थापना कब हुआ, तो 7 मई 1961 को हुआ। कब हुआ, तो 7 मई 1961 को हुआ दोस्तों। जैसा कि 7 मई 1961 को एनआईएस के नाम से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से हुआ, याद रखिएगा 7 मई 1961 को मोती पंजाब पटियाला के मोती बाग पैलेस में, और 1958 में एनआईएस इसका जो नाम है एनआईएस का वो चेंज हुआ, बदला गया 23 जनवरी 1973 में, एनआईएस से एनएसएनआईएस हो गया, यानी कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। एंड दोस्तों जैसा कि जो एनएसएनआईएस पटियाला है यह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है, क्वेश्चन आपके एमपी टेट में आया हुआ था कि एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान कौन सा है, तो एनएसएनआईएस पटियाला है। नेक्स्ट दोस्तों आधुनिक भारत की शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है, तो हैरी क्रोबक को कहा जाता है जो YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना भारत में 1920 में मद्रास में किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना कब हुई, तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना 1914 में हुआ। कब हुआ दोस्तों, 1914 में हुआ, दो वैद्य भाइयों के सुझाव पर। किसके सुझाव पर, दो वैद्य ब्रदर थे जिसके सुझाव पर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का स्थापना हुआ, वो दो वैद्य ब्रदर थे दोस्तों अंबादास कृष्ण वैद्य तथा अनंत कृष्ण वैद्य, अंबादास कृष्ण वैद्य तथा अनंत कृष्ण वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स कोचिंग की शुरुआत कब हुई, तो राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स कोचिंग की शुरुआत 1953 में हुआ दोस्तों। राजकुमारी अमृत कौर भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी और एक टेनिस प्लेयर थी। ये राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम जो है पटियाला में है जिसमें अच्छे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों किसके अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इनकी पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है, यह बात है कहा है बोरिंग लैंगफील्ड एवं विल्ड ने। नेक्स्ट है दोस्तों जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे माना जाता है, तो दोस्तों जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है जान बर्नार्ड बेस्डो को, और जर्मनी में जिम्नास्टिक का पिता कहेगा तो फ्रेडरिक गर्ट्समार्स, ठीक है। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट है कि स्पार्टा में खेल मैदानों को क्या कहा जाता था, तो दोस्तों जो खेल मैदान होता था स्पार्टा में उसको प्लेटेनिस्टास बोला जाता था। नेक्स्ट है जॉन ड्यूवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, तो उन्होंने प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद या एक्सपेरिमेंटेशन या व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट यानी अनुभव को मूल केंद्र माना है। एंड दोस्तों आदर्शवाद के जनक हैं आपके आइडियोलॉजी के जनक प्लेटो, यथार्थवाद अरस्तु एंड प्रकृतिवाद रूसो, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा किसने वर्ष 1953 में पहली कोचिंग योजना प्रस्तुत की, तो है राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए आवंटित समय किसके अनुलोमतः अनुपातिक होता है, तो दोस्तों कार्यक्रम की विषय वस्तु, जो हम क्रिया कराने जा रहे हैं वो क्रिया किस विषय वस्तु पे है, किस खेल पे है, इस पर आधारित होता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि किसने कहा था
कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों मैं कई बार बता चुकी हूँ कि शारीरिक शिक्षा को शिक्षा का अभिन्न अंग कहे हैं चार्ल्स ए बूचर। नेक्स्ट है, भारत में YMCA की स्थापना कब हुई? तो 1920 में चेन्नई मद्रास में हेनरी क्रोबर्ग के द्वारा किया गया। एंड नेक्स्ट है, किसने जर्मनी में टर्नवेरियन आंदोलन की शुरुआत किया था? दोस्तों तो फ्रेडरिक लुडविग जान ने किया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में मनोरंजन योजना की शुरुआत किसने किया था? तो प्रोफेसर जी डी सोंधी ने कहा किया था, जिनको एशियाड का पिता यानी एशियन गेम्स का पितामह भी कहा जाता है। इस प्रकार आधुनिक ओलंपिक गेम्स के पितामह कहा जाता है, किसको कहा जाता है आधुनिक ओलंपिक खेल के पितामह? नेक्स्ट है दोस्तों, किसने कहा मनोरंजन गति का विषय है न कि भावुकता का? इस बात को कहे हैं जोसेफ ली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणियों के संरक्षण वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या बात कहे हैं कि प्राणियों के संरक्षण वृद्धि और विकास के लिए खेल कूद बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे खेल कूद को प्राणियों के संरक्षण और वृद्धि विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, किसने कहा है? मैकडूगल ने। नेक्स्ट है दोस्तों, कॉल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? तो 1961 में किया। कॉल कपूर समिति की स्थापना 1960 में हुआ था और इसका कार्य है ओलंपिक खेलों के पर्यवेक्षण के रूप में दुनिया के खेल संगठनों एवं कार्य प्रणालियों का अध्ययन हेतु इसको स्थापना किया गया। नेक्स्ट है, 776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किस विशेषज्ञ शिक्षक के अधीन प्रतिभागियों को एक महीने का अभ्यास करना पड़ता था? तो दोस्तों वह करना पड़ता था हेलेन डिकोई, यानी जो अधिकारीगण होते थे, हेलेन डिकोई कहा जाता था। यहाँ पर ड्राइव दिया गया है इसलिए गलत होगा, यहाँ पे हेलेन डिकोई होगा। क्या होगा? हेलेन डिकोई, ठीक। एंड नेक्स्ट है, जिस व्यक्ति ने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा संस्कृति विकास तथा शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों उसको ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, यह परिभाषा किसने दी है कि खेल में विशुद्धतः क्रियाकलाप संबंधी आनंद के लिए अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है? इस बात को कहे हैं जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है दोस्तों कि शारीरिक शिक्षा और शिक्षा में मुख्य अंतर है, तो केवल प्रणाली का अंतर है। जैसे कि शारीरिक शिक्षा मानसिक और शारीरिक दोनों का अध्ययन करता है, जबकि शिक्षा जो है केवल मानसिक अध्ययन करता है, यानी कि जो मानसिक प्रक्रिया है वह शारीरिक शिक्षा और शिक्षा के दोनों के कॉमन है। नेक्स्ट है, हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं। हम बूढ़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। इस बात को किसने कहा है दोस्तों? तो जॉन बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि हम खेलना बंद कर देते हैं, हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं। हम बूढ़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किया था? तो 6 जून 1844 में जॉर्ज विलियम ने YMCA की स्थापना लंदन में किया था, और भारत में 1920 में, अमेरिका में 1983 में, याद रखिएगा भारत में 1920 में SC बक ने किया था। एंड नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है अच्छे मानव संबंधों का विकास, इसका दूरस्थ उद्देश्य है। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ कब हुआ? तो 1984 में हुआ। कब हुआ? 1984 में हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, कि शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? तो वह है शारीरिक शिक्षा। नेक्स्ट है, विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो 1864 में हुआ दोस्तों। यह क्रिकेट से रिलेटेड पत्रिका है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, कि शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 18वीं शताब्दी से जानी जाती है। नेक्स्ट है, एनसीसी की स्थापना कब की गई? एनसीसी यानी नेशनल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना 1948 में ताराचंद कमेटी के सुझाव पर किया गया। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज्यादा सुगमता से होगी। यह उक्ति किसकी है? स्वामी विवेकानंद की है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में खुले 1920 में प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम क्या है दोस्तों? तो वह है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास। जब कहीं क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, तो YMCA है 1920 में। जबकि कहेगा कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कौन है? तो वह लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट दोस्तों, कि स्पोर्ट्स म्यूजियम अवस्थित है तो कहां पे है? पटियाला में। नेक्स्ट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? तो वह तीरंदाजी यानी धनुर्विद्या के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई? तो 1932 में हुआ। नेक्स्ट है, स्कूल गेम्स फेडरेशन यानी SGFI की स्थापना 1954 में किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, किस संस्था द्वारा शारीरिक शिक्षा के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है दोस्तों? तो NCTE के द्वारा यह क्वेश्चन आया हुआ था। NCTE का फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना जो है आपका NCTE की 17 अगस्त 1995 को हुआ था। एंड इसका कार्य है भारत की शिक्षा प्रणालियों के मानक और उनके कार्य को नियंत्रित करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि कीचड़ स्नान प्रचलित था? तो कीचड़ स्नान जो है पूर्व एथेंस काल में प्रसिद्ध था, इसको मड बाथ भी बोला जाता है। और एक आपका थर्म फॉर बाथ जो है कोलेजियम की बात करेगा तो वो हो जाएगा आपका उत्तर रोम काल। नेक्स्ट है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक कौशल का विकास करना, यानी सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों वह हुआ था 1920 में, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास में। लेकिन जब भारत में राष्ट्रीय संस्था की बात करेगा तो सबसे पहले लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1957 ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है दोस्तों? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, जिसकी स्थापना जो है 1957 ग्वालियर मध्य प्रदेश में ताराचंद कमेटी के सुझाव पर किया गया। इसके पहले आचार्य पीएम जोसेफ थे। एंड इसको 1973 में सबसे पहले यह स्थापना हुआ था लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के नाम से, लेकिन 1973 में इसका नाम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय LMCPE रखा गया। 1982 में ऑटोनोमस संस्था का दर्जा मिला। एंड दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 सितंबर 1995 में इसको डिम्ड विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया LNIPE। 2008 में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अब इसको LNUPE यानी कि लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहा जाने लगा। और 2000 में युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आ गया। दोस्तों, इसका एक और संस्था जो है LNCPE त्रिवेंद्रम में खोला गया है 1985 में। और 2010 में एक और संस्था गुवाहाटी असम में LNIPE खोला गया है।
नेक्स्ट दोस्तों, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। यह परिभाषा किसका है दोस्तों? तो यह है महात्मा गांधी का दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। तो ये बच्चों के और बड़ों के शरीर मन आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास को ये शिक्षा मानते हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 में हुआ था, 25 जनवरी 1984 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शारीरिक शिक्षा का ध्येय यानी उद्देश्य क्या है? तो मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट दोस्तों, जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जान बर्नाडे बेसडो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था फिलेंथ्रोपियम। जान बर्नाडे बेसडो को जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, मानवीय संबंधों का विकास करना है। यह परिभाषा कहे हैं चार्ल्स बूचर ने, और चार्ल्स बूचर ने शारीरिक शिक्षा को शिक्षा का अभिन्न अंग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको जाता है? तो कार्ल विल कुक को जाता है, जबकि केडर गार्डर पद्धति की बात करेगा तो फ्रॉविल होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ? तो 1957 में प्रारंभ हुआ, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? अंग्रेजी शासनकाल में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है ऑबर्ट यूफर का। याद रखिएगा, ऑबर्ट यूफर एंड रोजल एंड कैसिडी का परिभाषा जरूर पूछता है। तो ऑबर्ट यूफर दोनों अनुभवों का जोड़ है एंड प्रक्रिया शब्द आएगा तो ऑबर्ट यूफर, एंड भीतरी अनुभव और परिवर्तन शब्द आएगा तो कैसिडी होगा। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों आप धन्य हैं, आप लड़ाई के मैदान को खेल मैदान के रूप में बदल देते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते हैं। यह कथन है पोल पाल का। नेक्स्ट दोस्तों कि भारत सरकार ने 1959 में कुंजरू समिति का गठन किस लिए किया था? तो यह शारीरिक स्वास्थ्यता एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए किया था। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक में किया गया। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं की संबंध रखता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो जेबी नेस की परिभाषा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। यह परिभाषा दिए हैं बी एन झा ने। नेक्स्ट दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट है, भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो 1909 में हुआ। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि उस शारीरिक विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वास्थ्य को चलायमान प्रक्रिया समझा और इसको परिभाषित किया कि जीवन की गुणवत्ता वह है जो किसी व्यक्ति को अच्छे जीवन अच्छे से रखने और बेहतर सेवा करने के सक्षम बनाए रखे। तो जे एफ विलियम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, जीवन की गुणवत्ता शब्द बताए, शारीरिक प्रक्रिया शब्द बताए, वहां पर हो जाएगा आपका जे एफ विलियम्स की परिभाषा। नेक्स्ट दोस्तों, 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर मध्य प्रदेश ने किस प्रकार की नवीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत किया? तो 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम बीपीई की शुरुआत किया 1957 में। एंड नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय योजना 1956 का गठन किसके द्वारा किया गया था?
तो यह शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के द्वारा किया गया था। एंड नेक्स्ट है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षक का विचार कहां से भारत में पहुंचा, तो यह इंग्लैंड से पहुंचा भारत में। नेक्स्ट है दोस्तों, किस स्थान पर प्राचीन ग्लेडिटोरियल मुकाबला आयोजित होता था, तो रोम में होता था। कहां पे होता था? रोम में। नेक्स्ट दोस्तों, सैद्धांतिक रूप से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान क्या है, तो दोस्तों यह एक खेल का शैक्षिक केंद्र है। खेल का क्या है? शैक्षिक केंद्र है। जैसे कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, वह इसकी स्थापना 25 जनवरी 1983 में हुआ, जिसमें से 4 खंड इसके हैं, जिसमें से एक शैक्षिक अकादमिक खंड है, जिसके अंतर्गत 2 आते हैं, एक खेलों के लिए अकादमिक खंड और शारीरिक शिक्षा के लिए अकादमिक खंड। तो खेलों के लिए अकादमिक खंड आपका NSNIS पटियाला है, जबकि शारीरिक शिक्षा के लिए अकादमिक खंड है त्रिवेंद्रम में LNCPE के रूप में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, तो 1982 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली कौन सी संस्था थी जिसने देसी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाया था, वह था हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती। एंड नेक्स्ट दोस्तों, खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना की एक शीर्ष संस्था कौन है, तो वह है साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है, तो NSNIS का डिप्लोमा है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, यह किसमें शामिल है, यह यूनेस्को का घोषणा पत्र में शामिल है। नेक्स्ट है, किस प्राचीन देश में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ खेल ने सुनहरा युग महसूस किया था, वह था यूनान यानी ग्रीस। नेक्स्ट है, भारत में किस योजना ने सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षण शुरुआत करने की पहल की थी, तो वह है नेशनल फिटनेस क्लास NFC। नेक्स्ट है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का अर्थ है, तो क्या है? मानव जाति का समग्र विकास। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, वह है ग्वालियर मध्य प्रदेश LNCPU। नेक्स्ट है दोस्तों, सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो बहुमुखी व्यक्तित्व विकास करना। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का स्नातकोत्तर कोर्स किस वर्ष शुरू किया गया, यानी MPA की शुरुआत किया गया 1963 में। नेक्स्ट है, कौन सा घटक शरीर का गठन करता है, तो प्रोटीन जो है शरीर निर्माण का कार्य करता है, एंड कार्बोहाइड्रेट एंड वसा जो है ऊर्जा देने का कार्य करता है, एंड विटामिन्स एंड खनिज लवण शरीर के रोगों से रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए, यदि आप एक दीवार से टकरा जाते हैं तो मुड़कर हार न माने, उसे कैसे चढ़ना है यह सोचे, उसे अंजाम दे या उस पर विजय पाए, यह बात कहा है माइकल जॉर्डन ने। नेक्स्ट है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा मूलतः है क्या है दोस्तों? आत्मा एवं विज्ञान संबंधी आवश्यकता है। नेक्स्ट है, पैलेस्ट्रा प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था, तो दोस्तों एक प्रकार का व्यायामशाला था, एक कुश्ती के स्कूल के रूप में जाना जाता था पैलेस्ट्रा को, जहां पे कुश्ती कराई जाती थी। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत किस पर ज्यादा आधारित हैं, तो यह प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियम पर शारीरिक शिक्षा के संबंधित सिद्धांत आधारित हैं। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं की जोड़ है, जो परिणामों के आधार पर संचयित एवं संचालित किया जाता है, यह शारीरिक क्रियाओं शब्द बोली थी दोस्तों, जहां पे जीवन की गुणवत्ता शब्द आ जाए और शारीरिक क्रियाओं का बात आए, वहां JF विलियम्स की परिभाषा रहेगा।
एंड नेक्स्ट है दोस्तों, एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो एथेंस में हुआ था एथलीट शब्द की उत्पत्ति। नेक्स्ट है, एथलीट शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों जैसे कि एथलेटिक्स का अर्थ है प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता, जबकि एथलीट का अर्थ है प्रतिस्पर्धी। नेक्स्ट है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा की भ्रांति है, क्या भ्रांति है? शरीर स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रशिक्षण दोनों। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं, तो उत्तर एथेंस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है, और उत्तर एथेंस काल में ही आपके सुकरात, प्लेटो, अरस्तु एंड हिप्पोक्रेटस जैसे महान विद्वान हुए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, डॉक्टर पीएम जोशी पहले प्राचार्य किसके थे? तो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान के पहले प्राचार्य थे पीएम जोशी। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है, यह परिभाषा किसने दिया है? तो जेबी थॉमस ने दिया है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है? तो दोस्तों मानसिक विकास, जो शारीरिक शिक्षा और शिक्षा दोनों का साझा लक्ष्य है, जबकि शारीरिक शिक्षा शारीरिक और मानसिक दोनों विकास करता है, शिक्षा मानसिक विकास करता है। एंड इस प्रकार शारीरिक शिक्षा शिक्षा दोनों का साझा लक्ष्य कौन सा है? मानसिक विकास। नेक्स्ट दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या करता है? यह गुणात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक होता है। शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल फिटनेस जो है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह गुणात्मक जीवन बिताने के लिए आवश्यक होता है। फिजिकल फिटनेस क्या है? डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फैटिक, यानी बिना थकान के डेली के वर्क को आप संपन्न कर सके और आपातकाल की स्थिति में आपके अतिरिक्त ऊर्जा भी रहे। नेक्स्ट है दोस्तों, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना का कहां आरंभ हुआ? तो वह हुआ पटियाला में। नेक्स्ट दोस्तों, प्राचीन यूनान में तीरंदाजी शिक्षक जाने जाते थे, तो प्राचीन यूनान में तीरंदाजी के शिक्षक को टैक्सोटोज बोला जाता था। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब प्रारंभ हुई, यानी नेशनल डिसिप्लिन स्कीम की स्थापना शुरुआत 1954 में हुआ। नेक्स्ट है, यूनान में खेल का मुख्य उद्देश्य था अच्छे योद्धा तैयार करना। नेक्स्ट है, खेल की यह परिभाषा किसने दी है कि खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है? इस परिभाषा को दिया है स्टर्न ने। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा की आधुनिक विचारधारा की शुरुआत कब हुई? तो 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम अभियांत्रिकी का उपयोग किसमें किया जाता है? तो सफल होने वाले जीन्स का पता लगाने में। नेक्स्ट दोस्तों, तंदुरुस्ती आंदोलन किस दिशा में किए गए प्रयासों को अवलंबन करता है? तो वह है स्वास्थ्य संवर्धन एवं रोग निवारण के लिए। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय क्या है दोस्तों? तो गतिशील मानव, स्थिर मानव कुछ भी नहीं कर सकता। गंदे पानी की जैसे पानी जो है स्थिर होने पर उसमें सड़न पैदा हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं, उसी प्रकार जब एक स्थिर मानव किसी काम का नहीं है, गतिशील मानव ही कुछ भी कार्य कर सकता है। शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय है गतिशील मानव। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU का मूलभूत कार्य क्या है? तो इसका कार्य है अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं का नियोजन करना। नेक्स्ट है, द सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यानी सनपेस किस वर्ष में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सम्मिलित हुआ? तो यह 1987 में सम्मिलित हुआ। सनपेस को 1987 में साई में सम्मिलित किया गया स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके MP टेट में, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत सरकार द्वारा नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया, प्रकाशित किया गया? तो 1956 में। नेक्स्ट है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना क्या है? तो यह है शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय शारीरिक शिक्षा प्रणाली को
राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका है? यह केंद्र सरकार का है। किसका है? केंद्र सरकार का है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, खेलों और शारीरिक क्रिया को लोकप्रिय बनाने का योगदान किस मंत्रालय का है? तो यह शिक्षा तथा, यह किस मंत्रालय का है? शिक्षा तथा युवा कार्य और खेल मंत्रालय का है। शिक्षा तथा युवा कार्य और खेल मंत्रालय का है। एंड नेक्स्ट है कि शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना किस स्तर पर बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को बनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीडी सोंधी। एंड नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के पदाधिकारियों का चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? तो 8 वर्ष बाद होते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी फेडरेशन में झगड़ा या विवाद हो जाता है तो उसका समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो यह अखिल भारतीय खेल समिति एवं भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? तो 1951 में किया गया। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया बिलियर्ड्स एसोसिएशन को कब बनाया गया? तो यह बनाया गया 1940 में। नेक्स्ट है, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बनाया गया? तो 1950 में। एंड स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1954 में। नेक्स्ट है, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1925 में। एंड नेक्स्ट है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो 1949 में। एंड नेक्स्ट है, ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 1950 में। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, यह सोसाइटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया दोस्तों? तो यह किया गया 1959-60 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता परीक्षा पुरुष वर्ग में कितने वर्ग में ली जाती है? तो 4 वर्ग में। ये महिला वर्ग में 3 वर्ग में, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, जिसकी स्थापना 1957 में हुआ। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग के खिलाफ शपथ लिया गया दोस्तों? तो 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ IOA में कितने उपाध्यक्ष होते हैं? तो 9 उपाध्यक्ष होते हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ IOA की वर्तमान में अध्यक्ष हैं PT उषा, और प्रथम अध्यक्ष थे आपके, IOA के प्रथम अध्यक्ष थे, IOA के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों ये आपके BPSC में आया हुआ था सर दुराबजी टाटा थे, जिन्होंने IOA को प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम NDS का प्रारंभ किया गया? तो 1954 में JK भोसले के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। एंड नेक्स्ट है, पायोली एक्सप्रेस किस महिला खिलाड़ी को कहा जाता है? आप सबको पता है PT उषा को, जो 400 मीटर बाधा दौड़ से रिलेटेड है, जिनको उड़न परी यानी पायोली एक्सप्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट है, HBPM की स्थापना कब किया गया? तो दोस्तों, HBPM यानी कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना
1914 में वैद ब्रदर यानी दो वैद भाई के द्वारा किया गया एलवीपीएम की स्थापना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचबीपीएम ने 5 वीक यानी 5 सप्ताह का समर कोर्स युवाओं के लिए किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो वर्ष 1924 व्यायाम विशारद के रूप में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट दोस्तों, CABPER यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना कब हुआ था? तो यह 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है, खेल की कौन सी शाखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अर्जुन तथा द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट देती है? तो AICS यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स देती है। नेक्स्ट है, कॉल कुंजरू कमेटी की स्थापना कब? यहाँ पे कॉल कुंजरू नहीं है, कॉल कपूर समिति होगा, ठीक है। कॉल कपूर समिति की स्थापना कब हुआ? तो 1960 रोम ओलंपिक में हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, कुंजरू कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजरू थे। और कुंजरू समिति की स्थापना 1959 में हुआ। कब हुआ? 1959 में हुआ। कुंजरू समिति की स्थापना 1959 में एंड ताराचंद कमेटी की स्थापना 1948 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव की शुरुआत कब किया गया? तो 1959-60 में किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, NSS की शुरुआत कब हुई? NSS की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, NSS की शुरुआत 1969 में किया गया। NSS की शुरुआत कब किया गया? 1969 में। NSS का फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम। और NCC की स्थापना कब हुई? 1948 में। नेक्स्ट है, NCC का पूरा नाम बताइए। NCC का पूरा नाम नेशनल कैडेट क्रॉप्स है, जो ताराचंद कमेटी के द्वारा 1948 में बनाया गया। नेक्स्ट दोस्तों, वह कौन सा देश है जिसने शारीरिक शिक्षा तथा शिक्षा पर सर्वप्रथम निर्देशन किया? तो ग्रीस यानी यूनान देश है। नेक्स्ट दोस्तों, स्पार्टा काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो स्पार्टा काल में शिक्षा का उद्देश्य था मैन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है, स्पार्टा काल में कमजोर बच्चों को किस पहाड़ी से फेंक दिया जाता था? तो माउंट टाइगर्स पर्वत से। नेक्स्ट दोस्तों, स्पार्टा काल में शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाता था? तो एगॉग कहा जाता था। नेक्स्ट है, स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को क्या कहा जाता था? तो बिवासिस कहा जाता था। नेक्स्ट है, खेलकूद व कुश्ती के विद्यालय को क्या कहा जाता था? पैलेस्ट्रा कहा जाता था एथेंस काल में। नेक्स्ट है, संगीत के विद्यालय को पूर्व एथेंस काल में क्या कहा जाता था? तो डिडास्केलियम कहा जाता था संगीत के विद्यालय को पूर्व एथेंस काल में। नेक्स्ट है, बॉल गेम से संबंधित शिक्षक को एथेंस में क्या कहा जाता था? तो स्फेरिस्टिस बोला जाता था। एंड जेवलिन से संबंधित शिक्षक को एथेंस में क्या कहा जाता था? तो एकोनोटिस्टिस बोला जाता था। एंड नेक्स्ट है, नीमियन खेल कहाँ और किसके समक्ष होते थे? दोस्तों, नीमियन खेल जो है यह होते थे आर्गलीज नामक स्थान पर जीएस देवता के सम्मान में। आर्गलीज नामक स्थान पर जीएस देवता के सम्मान में होता था नीमियन खेल। जैसा कि दोस्तों, जो पूर्व एथेंस काल है, पूर्व एथेंस काल में जो है पारहेलिक समारोह होता था, जिसके अंतर्गत 4 गेम होता था, ओलंपिक, पिथियन, इस्थिमियन, निमियन। ओलंपिक खेल का आयोजन ओलंपस पर्वत पर के मैदान पर जीएस देवता यानी आकाश देवता के श्रद्धांजलि के लिए, और पिथियन खेल डेल्फी पर्वत के मैदान पर अपोलो यानी सूर्य देवता के श्रद्धांजलि के लिए, इस्थिमियन खेल कोरिंथ नामक स्थान पर समुद्र देवता यानी पोसिडियन के सम्मान के लिए, निमियन खेल आर्गलीज नामक स्थान पर जीएस देवता यानी आकाश देवता के सम्मान के लिए।
एंड नेक्स्ट है दोस्तों, किस काल को शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है? तो उत्तर एथेंस काल को कहा जाता है, क्योंकि उत्तर एथेंस काल में व्यक्तिवाद का बोलबाला, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर अधिक बल दिया गया और इसको स्वर्ण काल कहा गया। इसको दर्शन शास्त्रियों का काल भी कहा गया, क्योंकि इसी समय क्रांतिकारी दार्शनिक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हिप्पोक्रेट्स एंड बहुत सारे मेन दार्शनिक हुए। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, किसने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परंपरागत ज्ञान को न देखते हुए सही ज्ञान को देखा जाए? तो इस बात को कहे हैं सुकरात, बात सही कहे हैं, न परंपरागत देखो न आधुनिक देखो, सही क्या चीज है उसको देखो। नेक्स्ट दोस्तों, किसने कहा कि शारीरिक तथा मानसिक विद्या में आपस में संबंध है? तो प्लेटो ने कहा है कि शारीरिक और मानसिक दोनों विद्या में आपस में संबंध है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को, जैसे कि दोस्तों मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है एंड चिकित्सा शास्त्र के जनक भी कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। नेक्स्ट दोस्तों, रोम काल में 18 साल के बाद के युवा को शारीरिक व मानसिक कौशल को तैयार किए जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता था? तो कैंपस मार्टियस बोला जाता था। नेक्स्ट है, रोम काल के 264 बीसी में कौन सा खेल सबसे लोकप्रिय था? तो रोम काल में 264 बीसी में ब्रूटल ग्लैडिटोरियल कैंबर्स प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, कोलेजियम यानी थर्म फॉर बाथ कहां पाया जाता है? तो रोम में पाया जाता है। याद रखिएगा, मड बाथ यानी कीचड़ स्नान पूरे एथेंस काल में एंड कोलेजियम यानी थर्म फॉर बाथ उत्तर रोम काल में होता है। दोनों को याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, जर्मनी के गर्ट्स मर्स नामक विद्वान ने कौन सी दो पुस्तकें लिखी? दोस्तों इन्होंने दो पुस्तकें लिखी, जिम्नास्टिक फॉर द यंग और खेल यानी गेम्स। और जर्मनी में जिम्नास्टिक के पिता यानी फादर कहा जाता है गर्ट्स मर्स को। नेक्स्ट है, जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा को शिक्षा से संबंधित करते हुए विचार किसने रखे? तो जान बर्नार्ड बेस्डो ने रखा। जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पितामह कहे जाते हैं जान बर्नार्ड बेस्डो। नेक्स्ट दोस्तों, जर्मनी में वह कौन सा पहला शिक्षक था जिसने पूरे स्कूल को एक घंटा सुबह और दो घंटा दोपहर में भिन्न भिन्न खेलों में को खिलवाया? तो वो है जान साइमन। नेक्स्ट है, वह कौन सा विद्वान था जिसने फिलंथोप्रियम के शिक्षण कार्य से अभिप्रेरित होकर 1785 में सनेपन थाल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला था? वह खोला था क्रिश्चियन गोथिप साल्जमैन ने। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने आधुनिक जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है? तो किस विद्वान को आधुनिक जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है? तो जान बर्नार्ड बेस्डो को। लेकिन जर्मनी में जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है गर्ट्स मर्स को। दोनों चीजें याद रखिएगा। यही भी क्वेश्चन आ भी गया कि जर्मनी में जिम्नास्टिक का ग्रैंडफादर किसे कहा जाता है? तो जान क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गर्ट्स मर्स को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने शारीरिक शिक्षा को जर्मनी में राष्ट्रीय एकता का जरिया बताया? दोस्तों तो वह बताया है फ्रेडरिक लुडविग जान ने। नेक्स्ट दोस्तों, जर्मनी जिम्नास्टिक पर किसने किताब लिखी? तो जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखा है फ्रेडरिक लुडविग जान ने 1816 में। नेक्स्ट है, डेनमार्क में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों डेनमार्क की बात करें तो फ्रेंच नेशगाल को आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता कहा जाता है, जबकि जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह जान बर्नार्ड बेस्डो को कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन में शारीरिक शिक्षा की ऊंचा दर्जा दिया जाने में किस विद्वान का हाथ था? तो वह हाथ था पर हेनरिक लिंग का। किसका हाथ था? पर हेनरिक लिंग का, स्वीडन में। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को कितने समूहों में बांटा है? दोस्तों तो पर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को चार समूहों में बांटा है, शैक्षिक जिम्नास्टिक, सैनिक जिम्नास्टिक, स्वास्थ्यवर्धक जिम्नास्टिक एंड कलात्मक जिम्नास्टिक।
एंड नेक्स्ट है पर हैंडलिंग द्वारा शरीर को मजबूती देने के लिए गलत आसन को रोकने के लिए जो अभ्यास बताए उनको क्या नाम दिया गया, तो उसको फॉर गिविंग मोमेंट्स का नाम दिया गया। नेक्स्ट है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की एक टीम ने किस लिंगयार्ड में भारतीय संस्कृति व उसकी पद्धति का प्रदर्शन किया था, तो दोस्तों 1949 में द्वितीय लिंगयार्ड स्टॉकहोम स्वीडन में भाग लिया था और उसमें हनुमान व्यायाम प्रसारक अमरावती ने प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है किसने ओलंपिक मशाल के एथेंस से आयोजित स्थल तक लाने का प्रचलन प्रारंभ किया था, तो कार्ल डाइम ने 1936 में, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिसकी स्थापना 1894 में बैन पेडी कुबर्डिंग के द्वारा IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना किया गया, जिसके तहत 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक शुरुआत किया गया एथेंस के पैनाथोनिक स्टेडियम में। नेक्स्ट दोस्तों अतिरिक्त शक्ति धारा यानी थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी किसने दिया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने दिया है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में मैंने सारे शिक्षा के इतिहास से रिलेटेड हुए सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में किसी भी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में आ सकते हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ सकता। तो दोस्तों अच्छे से पूरा प्रैक्टिस 4-5 बार कर लीजिए। एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा शायद शिक्षा एवं खेल का समाजशास्त्री आधार पर। तो दोस्तों इसी तरह आप डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए और अपना सेल्फ स्टडी भी करते रहिए और डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।